बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एज यू नो दैट वी वर डूइंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सरसाइज नंबर 4 व्हिच इज ऑन पेज नंबर 31 इन योर बुक। टर्न टू पेज 31। पेज 31 पे बेटे आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 4 है, हमने स्टार्ट की थी, इसी को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल मैंने आपको शुरू के 3 सेंटेंसेस करवा दिए थे। वी आर ऑन सेंटेंस नंबर 4। क्या बादल जोर से गरजता है? डज द क्लाउड थंडर लाउडली? गरजने को थंडर कहते हैं और क्लाउड गरजता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज हमने यूज किया है। डज द क्लाउड थंडर लाउडली? डज द क्लाउड थंडर लाउडली? नंबर 5 देखिए। नंबर 5, क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं? ओले क्या होता है वो आप लोगों ने सबने देखा होगा, बर्फ के छोटे छोटे जो पीसेस गर्मियों में ओले पड़ते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं हेल, HAIL, हेल। क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं? डज इट हेल इन समर? क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं? डज इट हेल इन समर? बेटे इसको आप ज़रा पेज नंबर 31 का ऐसे करें, स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आपको पेज 32 पे चलें। फिर हम अच्छा, ये कुछ बच्चे हैं, इनका नाम मैं फिर एक बार ले रही हूँ। मोहम्मद हसन 2644, मोहम्मद हसन। बेटे आपका होमवर्क सबमिट नहीं हुआ हुआ है, अगर मोहम्मद हसन क्लास में है सुन लें, और अगर नहीं है तो आप लोगों में से जो भी मोहम्मद हसन के साथ कांटेक्ट में है प्लीज़ उनसे कहें कि अपना होमवर्क सबमिट करवाएं, क्योंकि उन्होंने होमवर्क सबमिट नहीं किया और जब उनके घर कॉल किया जा रहा है तो उनका नंबर इनवैलिड आ रहा है। देखें इस तरीके से क्या होता है कि आप लोगों के मार्क्स जो हैं, 50 मार्क्स का होमवर्क है, आप लोग खुद ही इन बातों का ख्याल होना चाहिए बेटा। अच्छा मोहम्मद हसन, इसके अलावा एक मोहम्मद अब्दुल्ला इमरान, चले इनका तो इनके साथ मेरी बात हो गई है। मोहम्मद ओमान असलम, ये भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं बेटा, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सबमिट योर होमवर्क विद इन 1 or 2 days। और इसके अलावा जी, तो ये बच्चे जो हैं प्लीज़ अपना होमवर्क सबमिट कराएं। और जिन बच्चों का होमवर्क मुझे अब तक नहीं मिला है, बिकॉज मैं तो 7C के होमवर्क में पास आ रहे हैं, तो मोहम्मद हसन के अलावा मोहम्मद अब्दुल्ला इमरान, राहिम नईम और मोहम्मद अहमद शहबाज, मोहम्मद उमान असलम और खानेर खान एंड मोहम्मद मुईज़ खान, ये बच्चे हैं, इनका होमवर्क नहीं मेरे पास आया है। और अगर आपका होमवर्क मेरे पास, जाहिर है ये फर्स्ट होमवर्क है, अब तो सेकंड भी चला गया है और 26 से आप लोगों के पेपर्स भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। 8 को आपने सेकंड होमवर्क और पेपर दोनों चीज़ें एक साथ जमा करानी है, तो बेटा प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग इन टाइम ये सारे काम करें, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद देखें आप लोग सारे पेज नंबर 32 पे आ जाए। चलो भाई, वो अपनी आमदन से ज्यादा क्यों खर्च करता है? Why does he? क्यों? Question word, why? He है क्योंकि आपका सब्जेक्ट, तो उसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए does लगाना है। Why does he spend? खर्च करना, spend. Why does he spend more than his income? Why does he spend more than his income? ठीक है, why does he spend more than his income? Next देखें, क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है? Does he feel ashamed of his डीड्स? डीड्स होता है किया, जो हमने किया होता है, जो भी काम हमने किए होते हैं वो डीड्स होते हैं। डज ही फील अशेम्ड ऑफ हिज डीड्स?
नेक्स्ट देखें, क्या बशीर रात गए तक आवारा गर्दी करता है? डज बशीर वॉन्डर, वॉन्डर WANDER, वॉन्डर होता है आवारा गर्दी करना, बिला मकसद इधर उधर घूमना। डज बशीर वॉन्डर टिल लेट एट नाइट? डज बशीर वॉन्डर टिल लेट एट नाइट? ठीक है। नसीमा अपने मामू के यहाँ कितना अरसा ठहरती है? कितना अरसा, फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर हाउ लॉन्ग डज नसीमा स्टे एट हर अंकल्स हाउस? फॉर हाउ लॉन्ग डज नसीमा स्टे एट हर अंकल्स हाउस? फॉर हाउ लॉन्ग डज नसीमा स्टे एट हर अंकल्स हाउस? नेक्स्ट देखें बेटे, नंबर 10। फौज कहाँ पड़ाव करती है? पड़ाव करना होता है कैंप लगाना, ठीक है, ठहरना थोड़ी देर के लिए। फौज कहाँ पड़ाव करती है? कहाँ, वेयर डज द आर्मी, वेयर डज द आर्मी इन कैंप? इन कैंप होता है ENCAMP, इन कैंप का मतलब होता है कैंप लगाना, पड़ाव करना, रुकना, ठीक है। वेयर डज द आर्मी इन कैंप? ठीक है, नंबर 11। क्या आप मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं? तरजीह देना होता है प्रेफर करना, आपने अपने नॉवल में भी प्रेफर्ड पढ़ा था। तरजीह देना बेहतर समझना। क्या आप मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं? डू यू प्रेफर फ्रूट्स ऑन स्वीट्स? डू यू प्रेफर फ्रूट्स ऑन स्वीट्स? नंबर 12। क्या लोग वक्त को अहम समझते हैं? डू पीपल कंसीडर टाइम इम्पोर्टेंट? डू पीपल कंसीडर टाइम इम्पोर्टेंट? नंबर 13। ये तलबा वक्त क्यों जाया करते हैं? वाई डू दीज स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम? वाई डू दीज स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम? ये तलबा वक्त क्यों जाया करते हैं? वाई डू दी स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम? नंबर 14। मुर्गा कब आजान देता है? वेन डज द कॉक क्रो? आजान देना होता है क्रो, COCK, कॉक है बेटा ये। वेन डज द कॉक क्रो? नंबर 15। क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है? डज योर डॉटर रिस्पेक्ट हर एल्डर्स? क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है? डज योर डॉटर रिस्पेक्ट हर एल्डर्स? 16। चलिए बेटे, अब ये एक्सरसाइज हो गई है, इसका आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें इस पेज का भी, ताकि मैं आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर, नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर लेके चलूं। ऑल दोज हु हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज
और टेकिंग द स्क्रीन शॉट, रेज योर हैंड्स ताकि मुझे पता चले और मैं अगली एक्सरसाइज पे जा सकूं। एक्सरसाइज नंबर 5 पे आज है बेटे, पेज 32 पे ही जहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 4 ख़त्म हुई है वहीं से एक्सरसाइज नंबर 5 स्टार्ट हो रही है। पहले डेट डालें April 21, 2021, डेट डालें April 21, 2021। नंबर 1, क्या वो लोमड़ की कीमत मुनासिब तलब करता है? लोमड़ विक्सन होता है। क्या वो लोमड़ की कीमत मुनासिब तलब करता है? डज ही डिमांड अ रीजनेबल प्राइस, मुनासिब कीमत, रीजनेबल प्राइस। डज ही डिमांड अ रीजनेबल प्राइस फॉर द विक्सन, विक्सन होता है लोमड़, VIXEN। VIXEN, does he demand a reasonable price for the vixen? Number 2, कपड़े का ताजिर कम नाप क्यों देता है? कपड़े का ताजिर, क्लॉथ मर्चेंट, ताजिर होता है मर्चेंट, आपने 6 में मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा है, मर्चेंट, कपड़े का ताजिर, क्लॉथ मर्चेंट, कम नाप क्यों देता है? Why does the cloth merchant? Why does the cloth merchant measure short? Measure होता है नापना, short कम नापना। Why does the cloth merchant measure short? Okay, number 3. क्या तमाम तलबा डाक के टिकट जमा करते हैं? डू ऑल स्टूडेंट्स कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक के टिकट होते हैं पोस्टेज स्टैम्प्स। क्या तमाम तलबा डाक के टिकट जमा करते हैं? डू ऑल स्टूडेंट्स कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प्स। नंबर 4, क्या अमीर आदमी दोनों हाथों से दौलत लुटाता है? दोनों हाथों से दौलत लुटाने का मतलब होता है फजूल खर्ची करना, ठीक है। अब ये एक तरह से दोनों हाथों से दौलत लुटाना एक मुहावरे की तरह से है ना, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे उर्दू में मुहावरे होते हैं वैसे इंग्लिश में भी होते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? डज द रिच मैन बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स? डज द रिच मैन burn the candle at both ends? दोनों हाथों से डॉलर लुटाना फजूल खर्ची करना, does the rich man burn the candle at both ends? Number 5, तुम साइकिल खरीदने पर क्यों इसरार करते हो? Why do you insist? इसरार करना होता है इंसिस्ट करना, जोर देना, फोर्स करना। व्हाई डू यू इंसिस्ट टू बाय अ बाइसिकल? व्हाई डू यू इंसिस्ट टू बाय अ बाइसिकल? नंबर 6,
क्या ये लड़की रात को देर से सोती है? क्या ये लड़की रात को देर से सोती? Does this girl sleep late at night? Does this girl sleep late at night? नंबर सेवन, परिंदे कब चहचहाते हैं? कब? व्हेन। व्हेन डू द बर्ड्स चिर्प? चिर्प होता है चहचहा, सी एच आई आर पी। व्हेन डू द बर्ड्स चिर्प? नंबर एट, उर्स पर लोग क्यों गाते और नाचते हैं? उर्स क्या होता है? फेस्टिवल्स। व्हाई डू पीपल सिंग एंड डांस ऑन फेस्टिवल्स? व्हाई डू पीपल सिंग एंड डांस ऑन फेस्टिवल्स? Why do people sing and dance on festivals? Number 9, क्या वो किसी की परवाह नहीं करते हैं? Do they not care for anyone? Do they not care for anyone? नंबर 10, आप किस किस्म के ख्वाब देखते हैं? व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स डू यू हैव? आप किस किस्म के ख्वाब देखते हैं? व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स डू यू हैव? नंबर 11, तुम तर्जुमे की मशकें मुझे क्यों नहीं दिखाते हो? Why do you not show me the translation exercises? तुम तर्जुमे की मशकें मुझे क्यों नहीं दिखाते हो? Why do you not show me the translation exercises? Why do you not show me the translation exercises? Number 12, kya wo apni galti manta hai? Does he admit his mistake? Kya wo apni galti manta hai? Does he admit his mistake? नंबर 13, क्या ये जमात अपने काम में दिलचस्पी लेती है? Does this class take interest in their work? Does this class take interest in their work? क्या ये जमात अपने काम में दिलचस्पी लेती है? Does this class take interest in their work? Number 14, क्या पाकिस्तान में बारिश सिर्फ मौसम गर्मा में होती है? Does it rain in Pakistan only in summer? क्या पाकिस्तान में बारिश सिर्फ मौसम गर्मा में होती है? Does it rain in Pakistan only in summer? नंबर 15, पहाड़ों पर किस मौसम में बर्फबारी होती है? इन विच सीजन डज इट स्नो ऑन माउंटेन्स? इन विच सीजन
Does it snow on mountains? चले बेटे, अब आप लोगों ने क्या करना है? प्लीज टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दीज एक्सरसाइजेस ताकि आपका काम कंप्लीट हो सके।